Hey guys, स्वाति here. Welcome back to my channel. And आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा Amazon का अफोर्डेबल ज्वेलरी हॉल। ये सारी की सारी ज्वेलरी अंडर 600 है एंड इतनी अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी मिलना इट जस्ट इम्पॉसिबल। तो मैं ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी का हॉल। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो एंड ये सारी की सारी ज्वेलरी आप वुमेंस के लिए भी है एंड गर्ल्स भी इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल येट, देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर सच एन अमेजिंग वीडियोस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो गाइस। ये मैंने ज्वेलरी खरीदी है अमेजॉन के पॉपुलर ब्रांड ज्वेल्स गैलेक्सी से। इनके ब्रांड की ज्वेलरी फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, जबोंग से, पेटीएम से, शॉपक्लूज से, या फिर इनकी अपनी खुद की वेबसाइट है, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल है गाइस एंड मुझे इनकी ज्वेलरी के डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगे। कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी है, हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी बहुत ट्रेंड में है आजकल, तो वो सारे डिज़ाइन इनके पास अवेलेबल हैं, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। एंड इनके लिंक्स, जितनी भी डिटेल्स हैं ज्वेलरी की और लिंक्स हैं, वो सारे के सारे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। तो मैं फर्स्ट पीस ऑफ ज्वेलरी आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, सबसे अफोर्डेबल से स्टार्ट करते हैं। वो है ये छोटे से स्टड्स, देख सकते हैं आप, ब्यूटीफुल से क्रिस्टल के स्टड्स हैं, इसके अंदर बीट्स दिए हुए हैं एंड इनकी कॉस्ट है सिर्फ ओनली 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ में आपको क्या मिलता है? इस तरह के मार्केट्स में भी मिल जाते हैं आपको, बट घर बैठे बैठे 10 रुपीज़ के इयररिंग्स मिलना इट्स जस्ट अ वाओ थिंग। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग्स हैं। ये क्रिस्टल का इस तरह से दिया हुआ है एंड इसके अंदर बीट्स पड़े हुए हैं मल्टी कलर के और आगे से इस तरह से स्टोन आता है। इसका मैं ट्राई ऑन भी दिखाऊँगी, तब आपको आइडिया लग जाएगा। तो फर्स्ट पीस ये है। सेकेंड पेयर ऑफ इयररिंग्स मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, वो मैंने पहना हुआ है। ये है ज्योमेट्रिक इयररिंग्स, ज्योमेट्रिक ड्रॉप इयररिंग्स एंड ये है हैंड क्राफ्टेड है। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, डिज़ाइन इनका यूनिक है एंड देख सकते हैं आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, रेड है, ब्लैक है, आई थिंक एक गोल्ड तो ये मैंने पहना हुआ है, आई थिंक वाइट भी है। जो भी है मैं नीचे सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है, लाइट वेटेड है, यूनिक है। सिंपल एंड एलिगेंट ज्वेलरी जो होती है ना, वो अलग ही होती है। स्टेटमेंट ज्वेलरी होती है इस तरह की, तो अच्छी लगती है। ज़्यादा हैवी ज्वेलरी आजकल पहनने में अच्छी नहीं लगती, वैसे भी समर्स चल रहे हैं। स्टेटमेंट इयररिंग ही अच्छे लगते हैं जो यू नो यूनिक हो बट एलिगेंट हो और प्रेजेंटेबल हो, ट्रेंडी हो। तो मुझे इस तरह के इयररिंग्स बहुत पसंद है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है पहनने के बाद। आप इसको देखिए मैंने इसको कुर्ती के साथ डाला हुआ है, अगर आप इसको किसी वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी डालेंगे ना, तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये है सेकेंड पीस ऑफ ज्वेलरी एंड अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा थर्ड पीस ऑफ इयररिंग। ये है कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन, रोज गोल्ड एंड रेड बीडेड का ये डिज़ाइन है। देखिए आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन लग रहा है ये। सॉरी मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है। ये देखिए यूनिक है एंड कितना स्टेटमेंट पीस है, पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड इन की ज्वेलरी में एक खास बात यह है कि जितने भी डिज़ाइंस हैं ना, वो देखने में हैवी लगते हैं बट पहनने में बहुत ही लाइट वेट है एंड बहुत ही प्रीटी लगते हैं यार। इस तरह की ज्वेलरी हमेशा आप हमेशा एक तरह की ज्वेलरी, आप झुमकाज या फिर हुप्स नहीं अच्छे लगते हैं, कभी कभी इस तरह के पीसेस भी अच्छे लगते हैं। ये आपकी बहुत सारी ड्रेसेस पे मैच करेगा, ये एथनिक पे भी बहुत अच्छा लगेगा एंड एज वेल एज वेस्टर्न ड्रेसेस पे भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। आप देख सकते हैं इसका क्लोज लुक, मुझे बहुत पसंद आया एंड इसका जो रेड कलर है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो सेकंड पीस है ये। एंड ये तो हो गए इयररिंग्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेसलेट्स। ये है इस तरह की इनकी ब्रेसलेट। ये है रोज़ गोल्ड में, अमेरिकन डायमंड्स में रोज़ गोल्ड में ब्रेसलेट दिया हुआ है। और जितना भी ज्वेलरी मैंने ली है उसमें सब में टैग लगा हुआ है इस तरह से ज्वेल्स गैलेक्सी का। एंड बहुत ही लाइट वेट है, काफ़ी अफोर्डेबल ब्रेसलेट है ये। डिज़ाइन भी इसका बहुत प्यारा है, आप देख सकते हैं इस तरह से फ्लावर बने हुए हैं। बहुत ही प्रिटी लग रहा है देखने में। तो ये है। एंड नेक्स्ट ब्रेसलेट है ये ब्लैक एंड रोज गोल्ड में स्वैन डिज़ाइन का ब्रेसलेट। आप देख सकते हैं कितना प्रिटी ब्रेसलेट है। कफ ब्रेसलेट है, एलिगेंट डिज़ाइन है, डिसेंट ज्वेलरी है एंड एलिगेंट पीसेस मुझे बहुत पसंद है। इस तरह की स्टिकमेंट ज्वेलरी जो आपको अलग ही फील कराए। इस तरह के जब पीस आप पहनते हैं ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एंड मुझे इस तरह के पीसेस बहुत पसंद हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है स्वैन का डिज़ाइन। आप इसको इस तरह से पहन सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट ब्रेसलेट है। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक कॉम्बो सेट। ये है सिल्वर प्लेटेड कॉम्बो सेट अमेरिकन डायमंड्स में। ये है इसकी चेन एंड पेंडेंट और इस तरह के इयररिंग्स हैं इसमें। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इस तरह के सेट्स को आप कोई भी हैवी आउटफिट के साथ डालेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। आपका आउटफिट हैवी है एंड बट आपने नेक में जस्ट सिंपल एंड सोबर सा डिज़ाइन पहना हुआ है, नेक पीस पहना हुआ है तो बहुत प्रिटी लगेगा। ये देखिए सिंपल सी छोटी सी चेन है, बहुत अच्छी लगी मुझे। एंड ये इसके साथ एक ब्रेसलेट भी आती है सेम। ये पूरा नेक पीस, इयररिंग्स एंड ब्रेसलेट का कॉम्बो सेट है। काफ़ी अफोर्डेबल है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिल्वर लाइट वेटेड, बहुत लाइट वेट ज्वेलरी है। एंड लास्ट पीस ऑफ ज्वेलरी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये ग्रीन कलर, गोल्ड एंड ग्रीन कलर का ग्रीन बीटेड नेक पीस। इस तरह के नेक पीस आप यू नो किसी भी एथनिक वेयर के साथ पेयर कर सकते हैं। सूट के साथ, अनारकलीज के साथ या फिर साड़ीज़ के साथ। इवन आप अगर इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो एक ब्यूटीफुल सी टॉप पहनिए, उसके साथ आप इसको पेयर कीजिए, बहुत ब्यूटीफुल लुक आता है। लुक एट द डिज़ाइन गाइज, इस तरह की ज्वेलरी आजकल बहुत ट्रेंड में है। इवन ये देखने में इतना हैवी लग रहा है बट ये बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, देख सकते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल हैं, तो मैंने ये ग्रीन वाला चूज़ किया। एंड इसके साथ भी इयररिंग्स आए हैं, तो इसका नेकलेस हैवी होने की वजह से उन्होंने उसके इयररिंग्स को बहुत ही सिंपल एंड मिनिमलाइज कर दिया है। देखिए कितने स्मॉल इयररिंग्स हैं इस तरह के। ये वाले इयररिंग्स आप किसी और ड्रेस के साथ भी पेयर कर सकते हैं, सिंपल सा डिज़ाइन है। So guys, that was it for today's video. I will see you in my next one. Till then, take care. Bye bye.